बताइए ना, प्लीज बताइए, मेरा दिल सच में बैठा जा रहा है। बताइए ना, ये चोट कहां से लगी आपको? सुनिए तो सही। अरे यार, एक लड़की का हस्बैंड बीच सड़क में उसके साथ मारपीट कर रहा था, मुझसे देखा नहीं गया, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने जाकर उसके साथ लड़ाई कर ली, इसीलिए मुझे ये चोट लग गई। और बच्चों को मैं इसलिए स्कूल से पिक करने नहीं गया क्योंकि क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो ये चोटों को देखे, इसलिए मैंने गायत्री भाभी को भेज दिया। अब हो गई तुम्हें तसल्ली? हो गई ना? इसलिए मुझे भी सोने दो और तुम भी लाइट ऑफ करके सो जाओ। प्लीज एक मिनट, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे थोड़ी ना पता था कि आपके साथ में ये सब कुछ हुआ है, और मैं भी गुस्से में थी, ना जाने क्या क्या बोल गई आपको। आई एम सॉरी। And I'm really proud of you. आपने एक अनजान लड़की की मदद की, इसीलिए। तुम टेंशन मत लो रीता, मैंने दवाई लगा लिया, सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। लेकिन देखो ठीक से कहाँ लगाई? एक मिनट रुकिए, मैं दवाई लेके आती हूँ। ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो, हाँ? ऐसे काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना? इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। आई मीन, उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। हाउ कुड यू? तुम्हारी वजह से मैंने, तुम्हारे वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया, तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। हाउ कुड यू? हाउ डेयर यू? और नहीं। माई, माई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहां ध्यान दो। माई, यहां ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मम्मा मुझसे इतनी नफरत करती। देखा तुमने, अलीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है। इतनी बुरी हूँ सत्या, तेरी शादी में इच्छा से